नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक एक बार फिर दर्शकों के बीच आ गया है मौसम का हाल लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश में अब दोबारा मॉनसून की एक्टिविटी तेज हो गई है, यानी कि दोबारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मॉनसून का नया सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग रोज मध्य प्रदेश के लिए अपना अनुमान जारी करता है और एक बार फिर अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अपना अनुमान जारी किया है। अगर मौसम विभाग के अनुमान की माने तो फिलहाल अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि यहाँ पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। जिस तरीके से मॉनसूनी एक्टिविटी दिन बढ़ने के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, वैसे वैसे बारिश मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई देगी। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है, जहां पर येलो अलर्ट होने के बावजूद भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, सतना, उमरिया और ओरछा में भारी बारिश की संभावना है। यहाँ के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं अगर हल्की बारिश की बात करें तो ग्वालियर, भिंड, पन्ना, रीवा, मऊगंज, मैयर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, इन तमाम जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाकौशल क्षेत्र में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में भी हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं अगर छींटाकशी की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल, गुना, मुरैना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर और हरदा, विदिशा, खरगोन और पूरा मालवांचल का क्षेत्र है जहां पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं बीच में मॉनसून की एक्टिविटी स्लो होने के चलते हल्की बारिश देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में नया सिस्टम डेवलप हो गया है, मॉनसूनी एक्टिविटी तेज हो गई है, जिसके चलते आने वाले वक्त में भारी बारिश देखने को मध्य प्रदेश में मिल सकती है, जिसकी तैयारी भी मध्य प्रदेश शासन ने कर ली है। मध्य प्रदेश शासन जो है वो मौसम विभाग के अनुमान और तमाम जिलों में जो हालात हैं उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। आपके आसपास मौसम कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।